subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. सॉरी माफ करा कुठे सेंटर माय मास मुळे अर्धे लोक ओळखायला नाही येत सर्वप्रथम तर अर्थातच कोविडच्या या काळामध्ये तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात त्याच्याकरता धन्यवाद. तुम्ही लोक कोविडच्या काळात एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात की त्याच्याकरता धन्यवाद द्यायला माझ्याकडे शब्द नाही आहेत. मला कळत नाही आहे की रूम छोटी आहे का तुमचा नंबर जास्त आहे, पण खूप खूप धन्यवाद. खरंच शब्द नाही आहेत माझ्याकडे. आणि सर्वप्रथम तर मी हे सांगू इच्छिते की प्रेस कॉन्फरन्स अशाकरता ठेवली की बरेच दिवस बरेच प्रश्न विचारायचे होते असं मला लक्षात आलं, त्यामुळे मला असं वाटलं एकत्रित करून त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न मी जरूर करेन. जेव्हा मी चित्रपटसृष्टीमध्ये 29-30 वर्षापूर्वी माझी कारकिर्द सुरू केली तेव्हा अत्यंत साध्या सुध्या मराठमोळ्या घरातनं आलेली मुलगी होते मी, अजूनही आहे. आणि म्हणजे माझ्या आईला मेकअप बिकअपचं काहीही कल्पना नव्हती, आजही नाही आहे. पण एकच परमेश्वराच्या आशीर्वादानंतर एकच गोष्ट माझ्याबरोबर होती, ती म्हणजे लोकांचा साथ. आणि मी नेहमी तेव्हाही म्हणायची की तेव्हा खूप मोठे मोठे माझ्याबरोबर आर्टिस्ट होते, पण मी नेहमी सांगायची की मी मीडिया मेड स्टार नाही आहे, मी पीपल मेड स्टार आहे. आज मी माझ्या राजकीय वाटचालीची एक पाऊल जिथे उचलते आहे तिथे मला एवढंच सांगायचं आहे तुम्हा सर्वांना आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला की ही एक अजून अवघड वाटचाल आहे आणि त्याच्याकरता त्यांचा पाठिंबा मला खूप गरजेचा आहे. कारण मी ज्याप्रमाणे चित्रपटसृष्टीमध्ये पीपल मेड स्टार झाले, लोकांनी बनवलेली मोठी स्टार, त्यानुसार मी माझ्या राजकीय आणि उर्वरित आयुष्यामध्ये लोकांनी बनवलेली लीडर होणं पसंत करेन. आणि आता तुमची पारी, बोला. मॅडम, तुम्ही काँग्रेस सोडून शिवसेनेत पक्ष प्रवेश केलेला आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या आता सत्ताधारी पक्ष आहेत, एकाच सर्वप्रथम तर मी काँग्रेस पक्ष सोडून ऑलमोस्ट 14 महिने झाले, त्यामुळे मी 14 तासाच्या आत काँग्रेस सोडल्यासारखं कृपया मला प्रश्न विचारू नका. त्याच्यात खूप प्रश्न असतो, फरक असतो जेव्हा लोक एक पक्ष सोडून लगेच दुसरा पक्ष पकडतात. पण मला असं वाटतं की खरोखरच महाआघाडी सरकारने वाखाणण्यासारखी कामगिरी केलेली आहे. कारण का गेल्या नोव्हेंबरमध्ये आता एक वर्ष झालं, म्हणजे डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, अक्षरशः 3 महिने या सरकारला नॉर्मल महिने ज्याला म्हणतात ते मिळाले. आणि अतिशय महाराष्ट्राच्या कठीण कालावधीमध्ये म्हणजे सर्व प्रकारचे अतिशय मुश्किलाताचे दिवस महाराष्ट्राने बघितले ह्याच्यात, अर्थात कोविड होतं, त्यानंतर ओला सुका दुष्काळ होता, आपलं चक्रीवादळ होतं, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल आणि त्यांच्याकरता गेलेला एक प्रचंड खूप कठिणाईचं काळ होता हा. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या दुर्दम्य अशा समस्यातनं जात होतं महाराष्ट्र प्रदेश, आणि त्यामुळे सरकार सुद्धा, आणि ह्या सगळ्यामध्ये त्यांनी एक वाखाणण्यासारखी कामगिरी केली आहे ह्याच्यात प्रश्नच नाही. मी शिवसैनिक म्हणून आलेली आहे आणि मी शिवसैनिक म्हणूनच काम करायला आलेली आहे. तुम्हाला विधान परिषदेच्या
आमदार पद दिलेले राज्यपाल नियुक्त मला दिलेलं नाहीये हो, असं देणार ते त्यांना कधी देतील तेव्हा देतील, आता सांगा तुम्ही पण. पण मला माझं नाव जरूर सजेस्ट केलं गेलेलं आहे आणि मला तुम्हाला नम्रपणे हेही सांगायला आवडेल की मी माझ्यावरती आत्ताच्या आत्ता पक्ष जॉईन करण्याची कुठल्याही प्रकारची सक्ती किंवा काही प्रकारची गोड सक्ती नव्हती. पण मला असं वाटलं नाही की माझं नाव म्हणजे MLC मिळणं हा या सगळ्या मोठ्या वाटचालीचा एक छोटासा पहिला टप्पा असेल, त्यामुळे मुळात मला काम करण्याची इच्छा असल्यामुळे मी शिवसेना प्रवेश आज केलेला आहे. नाही आज आपण जास्त करून माझ्यावरती बोलू, त्याच्यानंतर पुढच्या वाटचालींवरती बोलायला मीही इथेच आणि तुम्ही इथेच आहात. नाही नाही मला असं वाटतं की दोन व्यक्तींचे जे प्रवास असतात ते कारण त्या दोन व्यक्ती एका काय म्हणतात ते एका पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात येतात म्हणून ते त्यांचे प्रवास त्यांना एकत्र जोखणं चुकीचं ठरेल. कारण प्रत्येकाचा प्रवास वेगळा असतो, त्यांचा प्रवास पूर्णतः वेगळा आहे, त्यांची स्टोरी वेगळी आहे, माझा प्रवास वेगळा आहे, त्यामुळे त्यांच्या प्रवासाबरोबर माझा प्रवास कम्पेअर करणं बरोबर नाही. हा एक मिनिट असे येऊया मी करून घे बाई मराठी हिंदी करून घे, हिंदी बाद में करते बोला. नाही अजिबात नाही, तुम्ही त्यांचे फॅन आहात का? हा मी पण नाही. मला असं वाटतं मी सांगते त्याचं उत्तर. मला असं वाटतं त्यांच्यावर बोलायला पाहिजे होतं, त्याच्यापेक्षा जास्त ऑलरेडी बोललं गेलेलं आहे आणि आता बोलायची गरज नाही आहे. आणि टीका करायला लोकशाही आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, कोणी ती करावी. नाही मी तेव्हा सुद्धा त्यांना उत्तर द्यायला सर्वप्रथम तरी आज क्लिअर करू इच्छिते, मी जो इंटरव्ह्यू केला होता तो त्यांना उत्तर देण्याकरता तेव्हाही केलेला नव्हता, तो त्या इंटरव्ह्यूचा एक भाग असणार होता. पण त्या काही काय म्हणतात ते प्रश्नांच्या ओघाओघामध्ये जास्त प्रश्न त्यांच्याबद्दल विचारले गेले म्हणून त्याच्यावरती उत्तरं द्यावी लागली. याच्या व्यतिरिक्त मला असं वाटतं नको तितकं महत्त्व ऑलरेडी या विषयाला दिलं गेलेलं आहे, आता आपण ते ड्रॉप करू शकतो. भाजपच्या टीका म्हणजे काय आहे, पुढे तुम्हाला आयुष्यामध्ये माझ्या कदाचित मी हे आज घातलं आहे थोडंफार ते सोडून वेगळी वेगळी मेडल्स दिसतील, कारण ज्या प्रचंड प्रकारे माझे ट्रोल्स परत सुरू झालेले आहे त्या सगळ्यांनाही मी खूप अगदी एक वॉर्म वेलकम देऊ इच्छिते. आणि त्यातले एकही ट्रोल त्याच्यातला एक एक ट्रोल माझ्याकरता मोठ्या मोठ्या पदकांसारखा आहे, कारण त्याच्यातलं एक एक ट्रोल मला हे दाखवतं की जे मी करते ते मी बरोबर रस्त्यावर चालले आणि त्याच रस्त्यावर मी चालत राहणार. आणि त्या ट्रोल इतक्या हीन पातळीचे असतात की त्याच्यावरती मला वाटतं बोलून त्याच्यावरती त्याला महत्त्व देणं पण चुकीचं होईल. पण तीच त्यांची नेहमी रणनीती राहिलेली आहे की एखाद्या व्यक्तीला पर्सनल टीका करून आणि पर्सनल ट्रोल करून खाली खेचणे. पण त्यांनी ह्यावेळी त्यावेळी चुकीची व्यक्ती निवडली होती आणि ह्यावेळी तर अगदीच चुकीची निघाली आहे, कारण मराठी आहे, मी पाऊल पुढे टाकल्यावरती मागे घेणार नाही, त्यामुळे त्यांनी करत राहावं त्यांचे काम, मी माझं करत राहील. महिला आघाडी खरं सांगायचं तर शिवसेनेची इतकी भक्कम आहे की मला फार आनंद आहे की मी त्यांचा भाग जर होऊ शकले. पण आणि काम करायला खूप आहे आणि मेन गोष्ट मला ह्याच्यावरती अगदी इमिजिएटली काम करायला आवडेल की मुंबईमध्ये फक्त महाराष्ट्रात नाही देशभरात नाही तर जगभरातनं असंख्य यु नो मुली येतात, त्यांना त्यांचे आई वडील खूप आत्मविश्वासाने पाठवतात की आमच्या मुली मुंबईमध्ये सेफ आहेत. आणि मला खूप आनंद आणि अभिमान आहे की मी अशा मुंबई शहराचा भाग आहे की त्या मुली इथे खूप सेफ आहेत. तर विमेन्स सेफ्टी आणि विमेनचे दुसरे अनेक अगणित जे प्रॉब्लेम आहेत खरं सांगायचं ते महाराष्ट्रभर आहेत आणि त्याच्यावरती मला काम करायला जास्त आवडेल. मुलं आणि बायकांच्या अनेक विचारांना इनफॅक्ट जर माझी MLC
कधी मधी झाली अनाउन्स, तर मी जरूर माझा जो पहिला विचार आहे तो त्याच्यावरचाच आहे, त्याच्याशी रिलेटेड आहे, पण तो वेळ येईल तेव्हा मी जरूर त्यावर डिस्कस करेन. कमलेशजी बोला. मला असं वाटतं की हे विचारणं म्हणजे थोडंसं जोक इज ऑन यू, कारण जेव्हा मी काँग्रेस सोडली तेव्हा पण मी असं कदापिही कधीही म्हटलेलं नव्हतं. जरूर माझं पत्र काढा आणि वाचा की मी राजनीती पॉलिटिक्स सोडलं आहे. मी फक्त एवढं म्हटलं होतं की मी पक्ष सोडत आहे पण मी लोकांकरता काम करत राहीन, एक झालं. आणि त्यामुळे मी तेव्हाही पॉलिटिक्स सोडलेलंच नव्हतं आणि आताही मी मला जितकं माझ्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे त्याने अगदी ग्रासरूट म्हणजे अगदी जमिनीवरती उतरून काम करण्याची माझी इच्छा आहे. कारण मला मुळात असं वाटतच नाही की एसी रूममध्ये बसून ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. त्यामुळे येणारा काळ जो आहे, आज मी तुम्हा सर्वांकरता आणि महाराष्ट्राच्या जनतेकरता कडनं फक्त थोडा विश्वास आणि थोडा वेळ मागत आहे. कारण येणारा काळ, मला असं वाटतं मी कितीही बोलले तरी येणारा काळ, ज्या प्रकारे लोकसभा निवडणुकीमध्ये बरेच लोक आले, बऱ्या प्रकार सर्व प्रकारच्या चॅनेल्स माझ्या मुलाखती घेतल्या, पण कुठेतरी माझ्या कामाने जे काही म्हणजे मी हरले तरीही जे 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 सिद्ध केलं माझ्या कामाने ते माझ्या बोलण्याने होऊ शकणार नाही. त्यामुळे आज मी फक्त थोडा वेळ मागू शकते. साधारणतः नाही, हिंदुत्ववादीच आहे. काय आहे, मुळातच मी थोडक्यात याचं उत्तर देते, कारण ह्याचं उत्तर खरं फार डिटेल आहे की सेक्युलर म्हणजे ह्याचा अर्थ म्हणजे इतर काय म्हणतात ते धर्मांच्या कडे आपली असलेली धर्मांना हेट करणं नाही किंवा स्वतःच्या धर्माला विरोध करणं किंवा त्याचा तिरस्कार करणं असंही नाही. मी हिंदू आहे जन्माने आणि मी कर्मानेही हिंदू आहे आणि हिंदू धर्माबाबत मी खूप बोलू शकते कारण हिंदू धर्माचा मी पूर्णपणे अभ्यास केलेला आहे. मी 8 ते 9 वर्षाची असल्यापासून योग साधना केलेली आहे. मी एक पूर्ण म्हणजे त्याला म्हणतात जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स योगाचा करून मी सर्टिफाईड योगा टीचरही आहे. या सर्व गोष्टींवरती आतापर्यंत बोलायची गरज वाटली नाही, कारण का मला असं वाटतं की आपला जो धर्म असतो तो जसा देव कसा मंदिराच्या गाभ्यात असतो गाभाऱ्यात असतो तसा आपला धर्म हा आपल्या अत्यंत मनातला हा अत्यंत आपल्या जिव्हाळ्याचा आस्थेचा असा विषय असतो आणि तो दरवेळी वेशीवर उभं राहून त्याचा उहापोह करण्याकरता वापरण्याची मला गरज वाटली नाही. पण हिंदुत्ववादी म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी माझ्या धर्माचा प्रश्न येणार तिथे मला माझ्या धर्मानेच मी वागले आहे आणि यापुढेही वागेन. त्यांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्र नेहमीच आपल्या अतिथींचं जास्त स्वागत करण्यामध्ये नेहमी कधीही मागे राहिलेला नाही. आम्ही त्यांना जय महाराष्ट्र सांगू शकतो. हो जरूर. ओके, देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो जिस तरह से पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में अभी पूरा एक बरस हो गया है, बहुत ही कठिन समय में महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन समय रहा, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि मुंबई महाराष्ट्र में है जो देश का एक आर्थिक जिसको कहते हैं कैपिटल है और ऐसी जगह है कि जहां पर दुनिया भर से और देश भर से लोग आते जाते रहते हैं. बहुत मुश्किल था कोविड जैसे समस्या से जूझना और ऐसे समय में कोविड जैसे समस्या से ही नहीं बल्कि जो नैसर्गिक आपत्तियाँ आई हैं महाराष्ट्र प्रदेश पर वो बहुत बड़े पैमाने पर आई है. कुछ ज़्यादा ही आपत्तियों से भरा हुआ है वर्ष महाराष्ट्र के लिए रहा, महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी रहा. एक बहुत ही ज़बरदस्त कामगिरी मुझे लगता है महाआघाड़ी सरकार ने की है और उसमें बहुत बड़ा हाथ उद्धव जी का रहा है और उद्धव जी एक सीएम के तौर पर उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से महाराष्ट्र को संभाला है, अपने साथ लेकर चले हैं. जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे वो घर का जैसे कोई बड़ा सदस्य आकर हमसे और आपसे बात करता है उस तरह
थोड़ा लोगों को समझाते भी है। तो मुझे लगता है जिस तरह ने उन्होंने महाराष्ट्र को खूबसूरती से संभाला है वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में मैं जरूर काम करना चाहूँगा। पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से किसने आपको अप्रोच किया, क्या रश्मि ठाकुर जी का कोई भूमिका आपको साथ में रखने में, सुबंधन बांधने में कुछ बातचीत हुई हो, कुछ आपको रखा हो? रश्मि जी है और फिर बहुत सारे लोग उनके साथ है, लेकिन मैं मुझे कॉल दरअसल उद्धव जी से भी आया और उद्धव जी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात कही जब उन्होंने जब MLC की बात हुई। उन्होंने मुझे कहा, पहले मैं मराठी में कहना चाहूँगी कि आपली जी विधान परिषद आहे महाराष्ट्राची, महाराष्ट्राची परंपरा इतकी मोठी आहे की त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक दर्जा वाढावा अशी माझी मनोमन इच्छा आहे। कारण का ही जी परिषद, ह्या ज्या जागा आहेत, ही जी भवनं आहेत, त्याच्यात जायला लोकांना खूप मोठा प्रवास करावा लागतो, तर त्याची तिथले जे बोलणं जात होतं त्याचा कुठेतरी दर्जा खूप मोठा वाढला पाहिजे आणि त्याच्याकरता तुमच्यासारख्या लोकांची गरज आहे। तर ये सोच ही पहले मुझे बहुत बढिया लगी की उन्होंने कहा की विधान परिषद जैसी जगहों पर बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो अपने आप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर हमेशा आगे रहा है, ऐसे मूल्यों को आगे रखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। नहीं नहीं, मेरा साथ दुर्व्यवहार हुआ है ऐसे नहीं मैंने कहा था। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस में जब मैंने कैंपेन किया था तो जिस तरह की कुछ चीजें होनी चाहिए थी वो उस तरह से हुई नहीं है। इस तरह से आज भी मुझे कांग्रेस की तरफ कोई भी अलगाव या कोई भी मुश्किल या कोई भी ये नहीं है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराइयाँ करते हैं और बल्कि ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं पार्टी में रहकर। विधानसभा के चुनाव आने वाले थे तो भले ही मेरे ऊपर बहुत उस वक्त लांछन लगे, लेकिन मैंने पार्टी के ऊपर कभी मैंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं पार्टी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलना चाहती थी ना फैलाना चाहती हूँ। आज भी मुझे सोनिया जी और राहुल जी के बारे में रिस्पेक्ट है, और महाराष्ट्र प्रदेश में कहूँ तो बाला साहेब थोरात जी जैसे बहुत ही एबल हमको वहाँ पे उनको वहाँ पे जो महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी और हिंदी में कसरत थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत बेहतरीन लीडर है अपने आप में। सो अभी मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं क्योंकि एक बरस से ज़्यादा वक्त जब इंसान उस पर गुजरता है तो मतलब मुझे लगता है कि अपने आप में कोई वजह रही होंगी। पिछले चुनाव में आपके भाषण में हमने सुना, लेकिन बात जब शिवसेना की आती है तो एक हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि है शिवसेना की, आप इस पार्टी में कैसे एडजस्ट करेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि आप छवि जो भी हो और आप बातें जो भी करें, अंत में बेहतरी इसी में होती है जिसमें लोगों का भला होता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो एक बरस का आपने शासन देखा है महाराष्ट्र में, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि इस शासन में किसी भी तरह के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट या किसी भी तरह के लोगों को कम ट्रीटमेंट, इस तरह का कोई दुर्व्यवहार महाराष्ट्र में हुआ है और ना ही वो आगे चलकर होगा? इसकी मुझे पूरी मुझे उसमें उम्मीद है, नहीं मुझे क्या कहते हैं उसको, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड मुझे लगता है आज के वक्त में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरा जो हमेशा सोचना था वो लोगों के प्रति था। जब मैंने इंटरव्यूज़ भी इसके पहले किए और कुछ चीज़ों पर बोली तब भी मैंने यही कहा कि मैं किसी के खिलाफ बातें नहीं कर रही हूँ, मैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बात कर रही हूँ। इसमें बहुत फ़र्क होता है, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव आउटलुक रखने का फ़र्क होता है, और ये आउटलुक डेफिनेटली शिवसेना में और अब सत्ता में आने के बाद किस तरह लोगों से बिहेव करते हैं, किस तरह से उन्हें प्रशासन देते हैं बहुत मायने रखता है, और मुझे लगता है उसमें शिवसेना बहुत बड़े पैमाने पर खरी उतरी है लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था बहुत उम्मीद में थी, लेकिन आपने हाउस पॉलिटिक्स का जिक्र किया था जिसके वजह से आपने कांग्रेस छोड़ दिया, आपको लगता है कि शिवसेना में वो समय नहीं आएगा कि आप? नहीं नहीं, मुझे लगता है हाउस पेटी पॉलिटिक्स हो, हाउस पॉलिटिक्स हो और अन्य अगणित मुद्दे हो, हर एक पार्टी में होते, हर एक पक्ष में होते हैं।
मैं भी काफ़ी नहीं थी पॉलिटिक्स में, शायद मैं तैयार नहीं थी इस तरह की चीज़ों को डील करने में। मैं इसके लिए किसी के भी ऊपर, मुझे बहुत आसान है दूसरे लोगों के ऊपर लांछन लगाना, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी चीज़ें बोलना, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ें करने में मुझे कोई इंटरेस्ट ना तब था ना अभी है, क्योंकि मेरी राजनीति पहले तो दूसरों को नीचा दिखा के और दूसरों के बारे में गलत छलत बातें करके शुरू करने से शुरू नहीं होती। हाय सोहित, फाइनली पहला सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा था कि क्या कांग्रेस की ओर से भी आपने कहा गया था क्या कि एमएलसी के टिकट की जो बात है, क्या कांग्रेस की ओर से भी आपको कहा गया था कि ऑफर दिया गया था पहली? और दूसरी जो अभी आपने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात जो कही आपने, तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर ट्रोल हो रहा है और आप शिवसेना भी उस समय ज्वाइन कर रहे हैं जब कहीं ना कहीं सेंटर वर्सेस स्टेट हो रहा है, वहां से भी बॉलीवुड के कई लोग कई सारी चीजें बोल रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं दोनों चीजों? पहले तो कांग्रेस से मुझे एमएलसी ऑफर हुई थी, ये बात मैं अपने मुँह से कभी नहीं बोलती आप लोगों को, क्योंकि मुझे गलत लगता है वो, लेकिन मैंने अन्य वजहों से कांग्रेस छोड़ी थी और ना मैं पद के लालसा में तब आई थी ना मैं अब आई हूँ, भले ही किसको, मुझे लगता है एक एक हद के बाद जिसको जो भी सोचना है वो सोचेगा, तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ उसके बारे में, हर किसी की सोच है और हर किसी के विचार है, लेकिन पद का इशू था नहीं, लेकिन मेरे दूसरे इशूज़ के वजह से मैंने कांग्रेस की तरफ से बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसलिए एमएलसी स्वीकार करना सही नहीं समझा, तो एमएलसी का इशू था नहीं। और दूसरी चीज़ क्या आपने पूछी थी? जी ट्रोल, तो ट्रोल का क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ट्रोल्स जो होते हैं, आपको मेरे बचपन में मेरे फादर मुझे कहा करते थे, अगर आपको कोई भी ना बोले कि आप गलत हो, आप ये हो वो हो, समझो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो मुझे इतने ट्रोल्स मिले हैं और आप मेरे साइड इस पेज पे जाकर देखिए, ना मैं किसी को ब्लॉक करती हूँ ना मैं किसी को, और मैं तो चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती कल को अगर हो तो आप लोगों में से भी कुछ लोग आकर मुझे बताएं, लेकिन मेरा मानना ये है मेनली कि एक बहुत ही जहरीला सा जो एक एटमॉस्फेयर डेफिनेटली आज देश के पॉलिटिक्स में हो चुका है, कहीं ना कहीं इसे शुरुआत तो करनी चाहिए कि ये जहरीलापन हटाया जाए, और मुझे लगता है दूसरों को बताने से पहले मैं खुद से कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा कम से कम, मैंने एक पूरा लोकसभा कैंपेन और बहुत बढ़िया कैंपेन, जहाँ पर मुझे नहीं लगता देश का कोई भी बड़ा हर एक बड़ा चैनल आया और उन्होंने कवर किया, और खुशी है मुझे इस बात की कि इस सारे चैनल कैंपेन के दौरान मैंने एक भी व्यक्ति पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी पर भी कोई भी आलोचना और गलत चीज़ों के बारे में नहीं बोला, तो मैं यही चाहती हूँ। महीनों में वो सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह उनकी आत्महत्या हुई और उसके बाद जो माहौल इंडस्ट्री में बना और ड्रग्स को लेकर जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप बॉलीवुड इमेज जिस तरह से बनी है इस पूरे माहौल में, इस पूरे दौर में, इस पूरे पीरियड में, उसके लिए क्या कार्रवाई करना चाहेंगे और क्या आपकी तैयारी रहेगी, बिकॉज यू बिलोंग टू द इंडस्ट्री में? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली बॉलीवुड पीपल ऑल्सो नीड टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स, उनको भी जरूरत है कि वो अपने आप के लिए खड़े हो जाएं, और उसके बाद हमारे जैसे लोग उनकी मदद भी कर सकते हैं। जो भी मैंने आज तक बॉलीवुड के लिए मैं खड़ी रही हूँ और हमेशा आगे भी रहूँगी, मुझे पहले भी पूछा गया था कि ये लोग क्यों नहीं बात करते, क्योंकि उनकी वो बहुत वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं, ये समझते हुए भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर बॉलीवुड को गलत लाइट में दिखाने की कोशिश की गई, बहुत बेइंतहा कड़ी मेहनत का काम होता है और बहुत ज़्यादा करोड़ों पैसे लगे होते हैं और वो मेहनत वाले लोग होते हैं, और बॉलीवुड लोग मतलब चार पांच स्टार्स नहीं होते जिन्हें शायद आप पसंद करें ना करें, आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं करती, लेकिन अगर उनकी फिल्में बैन करो, अगर ये ट्रेंडिंग हो रहा है तो वो गलत है और वो मैं गलत बोलकर ही रहूँगी, तो अपने अपने नज़रिए का और समझ का ये विचार है। लव जिहाद पर पूरे देश में जो बातचीत चल रही है, कुछ राज्य कानून ला रहे हैं, आप एक हिंदुत्ववादी पार्टी में लव जिहाद पर आपके विचार क्या है, क्या ये महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट होने चाहिए? आज ही सारे सवाल पूछोगे क्या, कुछ तो आगे के लिए रखो। How do you see all of this and do you think he has also said that you know Bollywood needs to be moved to Uttar Pradesh, he wants to
wants to make a big film industry there. How do you see both these topics? I have full faith and trust in all my lovely colleagues of the press that you should go and ask him all these questions. Don't you think so? Thank you. Ma'am, नाही मी तेच म्हणते की मला असं वाटतं हे सर्व प्रश्न लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि जनरली माझ्या मते सगळा समाज आणि सगळा देश चालवणारा जो आपला मीडिया आहे त्यांनी रिस्पेक्टेड सी एमना विचारायला पाहिजे ते प्रश्न आणि त्यांनी खरं तर त्यांच्या त्यांच्या चॅनलवरती हे प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत आणि लोकांना विचारलं पाहिजे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये की ते सगळं बघतायत कारण महाराष्ट्राची जनता ही अक्कल गहाण ठेवून ठेवणाऱ्या लोकातली नाही आहे त्यांना माहिती आहे काय असतं पॉलिटिक्स आणि त्यामुळे मला असं वाटतं तेच सगळे उत्तरं देतील आणि त्याच्या व्यतिरिक्त काम मला वाटतं तुमच्या खांद्यांवरती आहे की त्यांना हे प्रश्न जरूर विचार मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती आगे किसानों के जब मैम आप कैंपेन कर रही थी तो बीजेपी शिवसेना एक साथ थी लोगों ने उन्हें एक पार्टी मान कर वोट दिया अभी सिनेरियो पूरा चेंज है अभी तीन पार्टियां हैं तो बीजेपी के साथ शिवसेना अच्छी थी कि अभी के साथ जो शिवसेना काम कर रही वो अच्छी है आप किसके साथ रहना देखिए मैं मुंबई की मैंने जैसे कैंपेन में भी रखा था मुंबई की मुलगी मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ तो मेरे लिए तो हमेशा ही शिवसेना अच्छी थी क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का जो हर एक मराठी मानुष के मन में स्थान है उसे आप हिला नहीं सकते आज भी जब मैंने शिवसेना में प्रवेश किया तो मेरे अंदर से बात निकली और मैंने जाके उनके फोटो के सामने नमन किया इसकी वजह यह है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो वहाँ बैठकर पूरा महाराष्ट्र जब वो चले गए तब महाराष्ट्र में दो तीन दिन पर एक तरह की बहुत उदासी बहुत कम लोग जिंदगी में ये स्थान पा सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी चीज़ों से बात ना करते हुए मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह का शासन एक बरस में शिवसेना ने किया है वो बेहतरीन है और मुझे लगता है इसी तरह उनका आगे बढ़ने का और महाराष्ट्र को आगे लेकर जाने का जो प्रयास है उनमें मैं उसमें साथ रहना चाहूँगी पहले पहले आप एक सेक्युलर पार्टी से थी अब आप एक सेक्युलर हिंदुत्व पार्टी से हैं आपकी विचारधारा क्या है आप सेक्युलर हैं या कट्टर देखिए देखिए सेक्युलर कट्टर हिंदुत्व एक 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 जगह के बाद सिर्फ वर्ड्स बन के रह जाते हैं क्योंकि सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने ही धर्म से नफरत करना या दूसरों के धर्म से नफरत करना ना हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपने ही धर्म को आगे लेके हिंदू धर्म में ही ये कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा सहिष्णु और सर्वसमावेशक जिसे कहते हैं ऐसा धर्म मेरा धर्म है हिंदू धर्म है ये सही है ये सच्चाई है अगर मैं आज कहती हूँ वसुधैव कुटुंबकम तो ये कल्पना मैंने क्रिएट की हुई नहीं है ये जब से हिंदू धर्म है जब से यहाँ ये जो भारत देश है इसमें सिर्फ धर्म नहीं इसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक हमारा बैकग्राउंड रह चुका है तो हम वहाँ सबसे आए हुए हैं सो ये सारी चीज़ें हमेशा से थी और है और ये सारी चीज़ें मैंने मेरे लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कही थी लेकिन उस वक्त भी बड़े ही होशियारी से मेरे ही शब्दों को मोड़ तोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया तो वो भी एक उनका दाव था आज भी एक उनका दाव होगा लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी व्हेन इट कम्स टू सर्विंग पीपल एंड हेल्पिंग देम देर इज़ उस वक्त भी मुझे पूछा जाता था कि आप मुंबई के हो तो पहले मुंबई कर या पहले ये नहीं होता लोग होते हैं और वो पहले सबसे बड़े पहले भारतीय होते हैं और भारतीय लोगों को और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के रहने वाले महाराष्ट्र के लोगों को मदद करना महाराष्ट्र शासन का पहला धर्म रहे उसको लेकर कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को शिफ्ट करने की साजिश है तो उस पर आपको क्या लगता है क्या बॉलीवुड शिफ्ट हो सकता है मैडम एक सवाल इससे कनेक्टेड है कि अक्षय कुमार आज मिलने वाले हैं योगी से क्या कहना किसानों का आंदोलन चल रहा है अक्षय कुमार मिलने वाले आई एम श्योर अक्षय कुमार जी के घर में उनको खाना बहुत बेहतरीन मिलेगा
मैं क्या कहूँ, आप ये अक्षय जी से पूछे कि उनका कैसे रहा। एक मिनट, और दूसरी चीज, ये बॉलीवुड शिफ्ट वगैरह करने का तो भैया अभी क्या है कि ये चीजें आपने उनको पूछनी चाहिए जो अगर कल को उनकी फिल्में ले जाकर वहां पर। बॉलीवुड मतलब क्या है, एक वर्ड है, लेकिन अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो मुंबई से अपने खून से, अपने नर्व से, एक बेहतरीन नाते से जुड़ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई सिटी, ये दोनों चीज़ें अलग होने की संभावना है। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी का भी फिल्म सिटी बहुत बढ़िया बनेगी, और मेरी उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। उर्मिला जी, सवाल आप जिस पार्टी में भी पहले दिल्ली के दस्तक पर है कि किसान गुरु की बात नहीं मानी जा रही है, ऐसा बात कहा जा रहा है, आप अभी राजनीतिक एक दल की सदस्य हैं, किस तरह से देखती हैं? बहुत दुखद है कि किसानों को जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इन बिल्स के बारे में सिर्फ कुछ हद तक जानती हूँ। मैं हर एक चीज़ दुनिया में जानती हूँ, ऐसा दावा मैंने अभी नहीं किया, ना मैं आगे करूँगी, लेकिन जितना मैं समझ चुकी हूँ, मुझे ऐसे लगता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस विषय में मैं आज ज़्यादा बात करना सही नहीं समझती। मैम, एक साधारण सा सवाल है, चले ना प्रश्न, एक साधारण सा सवाल है, आपको शिवसेना के हिंदुत्व में और भाजपा के हिंदुत्व में क्या फर्क है? देखिए, हिंदुत्व एक, जैसे मैंने पहले कहा, मन की गहराइयों से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा आस्था भरा और श्रद्धा भरा विषय है। सो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बातें बनाने के लिए और चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाने के लिए बताने वाली बातें नहीं हैं। तो हिंदुत्व जो है वो इसके ऊपर एक, क्या कहते हैं उसको इस तरह से बातें करना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है हर किसी ने अपना धर्म अपने दिल दिमाग और अपने सोल के साथ कनेक्ट करके अपनी ज़िंदगी में उसे निभाना चाहिए। आप जिस पार्टी में थी पहले, वहाँ पर अनबन हुई या फिर महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए आप उस पार्टी को छोड़कर शिवसेना आ गई है। यहाँ पर लगातार देख रहे हैं महिलाओं की मौजूदगी ज़्यादा है, किशोरी पेडनेकर, प्रियंका चतुर्वेदी, रश्मि ठाकरे, आज सब कुछ मौजूद थी, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसी पार्टी के एक सांसद आपसे भले ही कुछ भी लड़ाई हो, महिला के लिए अपशब्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आप उस महिला के मुझे साथ पता नहीं आपको किसकी बात करें, नंबर वन। नंबर टू, एक मिनट, नंबर टू, मैंने कभी नहीं ये कहा कि मेरे महिला के साथ गैर व्यवहार हुआ है। मैं उन महिलाओं में से हूँ नहीं जिनके साथ गैर व्यवहार किया जा सकता है। नहीं, मेरा सवाल, तो मैंने कभी भी ये बोला नहीं कि मेरे साथ महिला के नाते गैर व्यवहार हुआ है। तो मैंने ये कांग्रेस के बारे में कतई नहीं कहा था। लेकिन इस वक्त आप महिलाओं का मुद्दा लेकर आगे चल रहे हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। संजय राउत जी की बात कर रही हूं मैं, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम नॉट कंगना फैन, लेकिन एक सांसद होने के नाते जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, क्या आपको लगता है, प्रयोग मतलब आप कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं? जी, क्या आपको लगता है कि एक तरफ पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ उसी पार्टी के सांसद जो है एक महिला के लिए इस तरह का शब्द? तो हो गई ना अभी वो बात, उसके ऊपर सारी चीजें, सारा बवाल हो गया। वो सांसद है, ये पद्मश्री है, उनकी भी भाषा अपनी भाषा है, इनकी भाषा अपनी भाषा है, तो भैया मुझे दूसरों की भाषाओं पे क्यों पूछ रहे हो, मैं अपनी भाषा पे बात करूंगी। उर्मिला जी, हफ्ता पर्यंत मातोश्री वर अनेक पक्ष प्रवीण झाले, अनेक महिलांचा पक्ष प्रवीण देखील झाला, परंतु पहिल्यांदाच असं घडलं की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे तुमच्यासाठी खास पक्ष प्रवेशासाठी असं का? असं काही नाही आहे, असं अजिबात नाही आहे। मला असं वाटतं ना की तुम्हाला सगळ्यांचे परत एकदा मनपूर्वक आभार की आज आलात, पण मी काही कुठली राजकीय नेता नाही आहे हो। अजूनही मी अत्यंत साध्या सुध्या मराठमोळ्या घरातली एक मुलगी आहे, बाई आहे, व्यक्ती आहे, व्हॉटेवर, तर त्यामुळे मला कुठेतरी हे सगळं क्षेत्र अजूनही खूप नवं आहे, आणि ते मी पदोपदी मान्य करते, आणि त्यामुळे मला असं वाटतं कुठेतरी जर ते आले असतील तर कदाचित थोडाफार मला एक आत्मविश्वास माझा वाढावा ह्याच्याकरता आले असतील, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मला त्याच्यात काही वाटत नाही। आणि परत एकदा सांगू इच्छिते, ह्यामध्ये मी खूप नवी आहे, आज तुम्ही इथे एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात त्याच्याकरता धन्यवाद, पण मी नवी आहे ते, आणि मला खूप मोठा रस्ता घ्यायचा आहे तेवढाच। थँक यू सो मच। We'll be right back.